एक सुनसान सबवे के अंदर एक आदमी किसी से डर कर बेतहाशा भाग रहा था। उस आदमी के कपड़ों से लग रहा था कि वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है। भागते भागते वो सबवे में बने एक कैबिन के सामने आ पहुंचता है और अपने आप को उस कैबिन में छुपा लेता है। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था, तभी अचानक उस कैबिन में रखी सारी अलमारियां अपने आप खुलने लगती हैं। उन सब अलमारियों के अंदर आईने लगे हुए थे जिनमें उस आदमी की परछाई दिख रही थी। डरा सहमा वो आईने के करीब जाता है। उसके करीब जाते ही आईने में दरार पड़ने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी रोने लगता है। वो आईने के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उससे प्रार्थना करता है कि वो उसे जाने दे। आईने से विनती करते करते वो उसे साफ भी करने लगता है, मगर साफ करते वक्त आईने का एक टुकड़ा टूटकर उसके सामने गिर जाता है, जिससे वो आदमी और भी ज्यादा डर जाता है और आईने से माफी मांगने लगता है। वो आदमी टुकड़ा उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन ये क्या, आईने में उसकी परछाई ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। उसकी परछाई उसी की तरफ देखकर गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर तो उस आदमी का कलेजा ही मुंह को आ जाता है। तभी वो परछाई हाथ में पकड़े उस आईने के टुकड़े से अपना गला काटने लगती है और उस आदमी का गला भी अपने आप कटने लगता है। वो आदमी चीखता चिल्लाता दर्द से बिलबिलाता वहीं खून में लथपथ गिर जाता है। दूसरी ओर अलार्म की आवाज से बेन की नींद खुल जाती है। बेन एक सस्पेंडेड पुलिस वाला था जो अब अपनी छोटी बहन एंजी के घर में रह रहा था। पुलिस की नौकरी के दौरान उसकी गलती की वजह से उसके साथी की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। अपने साथी की मौत और नौकरी से निकाले जाने के कारण बेन डिप्रेशन में चला गया था और हर वक्त नशे में डूबा रहने लगा था। उसके इस नशेड़ीपन से तंग आकर उसकी बीवी एमी उसके दोनों बच्चों माइकल और डेजी को लेकर अलग रहने चली गई थी। अब बेन सुधरने की कोशिश कर रहा था। उसने शराब छोड़ दी थी, मगर ऐसा करने के लिए उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा था। उसने अब एक नया जॉब भी ढूंढ लिया था। वो अपनी बहन को गुड बाय बोलकर अपने नए जॉब पर चला जाता है। उसका नया जॉब दरअसल एक नाइट गार्ड का था। एक बहुत पुराना डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था, मेफ्लावर, जो अपने समय में न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्टोर था। लेकिन 5 साल पहले मेफ्लावर में भीषण आग लग गई थी, जिसमें पूरा मेफ्लावर जलकर राख हो गया। अब वहाँ बस मेफ्लावर बिल्डिंग का मलबा बचा था। बेन को इसी मलबे की निगरानी करने के लिए गार्ड की ड्यूटी मिली थी। दिन की ड्यूटी लोरेंजो नाम का एक बूढ़ा आदमी करता था। बेन को नाइट शिफ्ट मिली थी क्योंकि नाइट शिफ्ट करने वाले व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले अचानक ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। लोरेंजो बेन को उसका काम समझाने मेफ्लावर बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। घूमते घूमते लोरेंजो उसे इस बिल्डिंग का इतिहास बताता है। वो उसे बताता है कि इस जगह पर मेफ्लावर से पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो 1952 में बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पर कई साल कुछ भी नहीं था। फिर काफी धूमधाम से यहाँ मेफ्लावर डिपार्टमेंटल स्टोर खोला गया था, मगर जल्द ही वो भी आग के सुपुर्द हो गया। तभी बेन की नजर वहाँ लगाए आईनों पर पड़ती है। पूरी जगह आग की वजह से तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन सारे के सारे आईने अब भी चमक रहे थे। लोरेंजो उसे बताता है कि बेन से पहले जो व्यक्ति यहाँ नाइट गार्ड की ड्यूटी करता था, जिसका नाम गैरी था, उसी ने सारे आईने चमका के रखे हुए थे। उसे इन आईनों से अलग ही लगाव था। वो रात भर इन आईनों को साफ करता रहता था। इसके बाद लोरेंजो बेन को बिल्डिंग के बाहर बनाया एक कंटेनर दिखाता है। बेन को शिफ्ट के दौरान इसी कंटेनर में रुकना था और हर 3 घंटे बाद अंदर जाकर बिल्डिंग का चक्कर लगाना था। लोरेंजो से मिलने के बाद बेन उसकी पत्नी एमी के घर जाता है। आज उसके बेटे माइकल का जन्मदिन था और वो उससे मिलना चाहता था। जब एमी वहाँ आती है तो उसे बेन का बिना बताए वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब बेन उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसने शराब छोड़ दी है, एक नया जॉब भी ढूंढ लिया है और अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। वो अपने बीवी बच्चों को अपनी जिंदगी में वापस चाहता था। ये सुनकर एमी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन वो उसे साफ शब्दों में समझा देती है कि वो तब तक बेन के साथ वापस नहीं जाएगी जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए कि वो सुधर चुका है। फिर रात होते ही बेन अपनी ड्यूटी बचाने मेफ्लावर पहुंच जाता है। 3 घंटे होते ही वो अपनी पहली गश्त लगाने बिल्डिंग के अंदर जाता है। रात के समय वो जगह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। आधे जले हुए मैनेकिन्स, तरह तरह के सामान और बहुत सारे आईने। तभी बेन को एक आईने पर एक हाथ का निशान दिखाई देता है। वो उसे साफ करने की कोशिश करता है, मगर वो साफ होने का नाम ही नहीं लेता, जैसे वो निशान आईने के अंदर की तरफ से बना हो। जब वो अपनी टॉर्च आईने पर ऊपर की तरफ दौड़ाता है तो वो चौंक जाता है। हाथ के निशान पूरे के पूरे आईने पर ऊपर से नीचे तक लगे हुए थे। तभी बेन को आईने में अपने पीछे का दरवाजा खुलते हुए दिखाई देता है, मगर जब वो पलट कर देखता है तो वो दरवाजा बंद था। अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा के कारण बेन सीधा उस दरवाजे को खोलकर उस पार चला जाता है। वो दरवाजा उसे बेसमेंट में ले जाता है। जब वो बेसमेंट की लाइट जलाता है तो देखता है कि पूरे बेसमेंट में पानी भर गया था। उस रात तो और कुछ अजीब नहीं होता और बेन अपने घर वापस आ जाता है। वो बाथरूम में फ्रेश हो ही रहा होता है
कि तभी बेन को आईने में अपना चेहरा बिगड़ता नजर आता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। जब उसकी बहन आकर उससे वजह पूछती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। बेन को लगता है कि डिप्रेशन और गोलियों का असर उसके दिमाग पर भी होने लगा है। अगली रात बेन गश्त लगाते हुए बिल्डिंग के एक दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसे एक और आईना मिलता है जिस पर भी हाथ का निशान था। जैसे ही वो उस निशान पर अपना हाथ रखता है, आईने में दरारें आ जाती हैं और उसका हाथ कट जाता है। मगर जैसे ही वो पलट कर दोबारा देखता है तो वो दरारें गायब हो चुकी थी। तभी उसे आईने में उसके पीछे जलते हुए लोग दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से आग की लपट में डूबे हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। मगर जब बेन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। अचानक आईने में कहीं से आग की एक लपट आती है और उसकी परछाई को भी अपने आगोश में ले लेती है। बेन दर्द से तड़पने लगता है और वहाँ लोट लोट होकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। हालांकि उसके बदन पर आग का नामो निशान तक न था। अचानक ही उसका दर्द गायब हो जाता है और वो देखता है कि उसकी परछाई से भी आग गायब हो चुकी है। वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ पड़े एक वॉलेट पर पड़ती है। जैसे ही वो वॉलेट खोलता है तो उसे पता लगता है कि वो वॉलेट गैरी का था, जो उससे पहले वहाँ नाइट गार्ड का काम करता था। और जब हम उसके आईडी कार्ड में गैरी की फोटो देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि गैरी वही शख्स था जिसे कहानी की शुरुआत में उसी की परछाई ने उसका गला काट कर मार डाला था। उस वॉलेट को लेकर बेन सीधा अपने कंटेनर में आता है। पहले तो वो अपने कटे हाथ पर पट्टी बांधता है और फिर गैरी के वॉलेट की ध्यान से जांच करने लगता है। उस वॉलेट में उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर असेकर लिखा हुआ था। ये असेकर आखिर है क्या? इसका पता लगाने बेन दोबारा बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक एक औरत के चीखने की आवाज आने लगती है। वो उस आवाज का पीछा करता हुआ ऊपर की तरफ भागता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से चीखने की आवाज आ रही थी, मगर उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर उस कमरे में रखे आईने पर पड़ती है। उस आईने में साफ दिख रहा था कि एक जली हुई औरत का हाथ एक ट्रायल रूम से बाहर निकल रहा था। जब वो ट्रायल रूम चेक करता है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। मगर जैसे ही वो आईना उठाकर उस ट्रायल रूम के सामने रख देता है तो उसे आईने में साफ साफ एक जलती तड़पती औरत दिखाई देती है। वो भयानक मंजर देखकर उसकी सांसें ही रुक जाती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आईना सच्चाई दिखा रहा था जो हम देख नहीं सकते, या फिर कुछ और ही। उधर बेन का बेटा माइकल भी नींद में चिल्ला उठता है। उसकी चीख सुनकर एमी वहाँ पर भागते हुए आती है। माइकल उसे बताता है कि उसने आईने में एक औरत को जलते हुए देखा था। हालांकि एमी जब आईने में देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि माइकल ने जरूर कोई डरावना सपना देख लिया होगा। वो उसे समझा बुझाकर दोबारा सुला देती है। मगर जैसे ही वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है, उसके टीवी स्क्रीन पर भी उसी जलती तड़पती औरत की परछाई दिखाई देती है जिसे बेन ने मेफ्लावर में देखा था, और शायद माइकल ने भी उसे अपने आईने में देखा था। अगले दिन बेन अपनी बहन एंजी को उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में बता देता है। मगर एंजी को भी यही लगता है कि वो अपने डिप्रेशन और दवाइयों की वजह से ये सब चीजें देख रहा है। वो उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देती है। एंजी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। ये देखकर बेन निराश हो जाता है और रात को वापस काम पर जाने से पहले थोड़ी देर आराम करने वो घर वापस आ जाता है। वो थोड़ी देर सोया ही था कि डोरबेल की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। दरवाजे पर पोस्टमैन उसके लिए एक पार्सल लेकर आया था। जब वो पार्सल खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो पार्सल उसे गैरी ने भेजा था, वही गैरी जो बेन से पहले मेफ्लावर में नाइट गार्ड की ड्यूटी करता था। लेकिन बेन तो गैरी को जानता तक नहीं था। उस पार्सल में मेफ्लावर में लगी आग से संबंधित कुछ न्यूज़पेपर के कटआउट्स और कुछ जानकारी थी जो गैरी ने अपने कार्यकाल में उस जगह पर रहकर पता लगाई थी। गैरी और उसे भेजे पार्सल के बारे में लोरेंजो से बात करने बेन वापस मेफ्लावर जाता है। गैरी का जिक्र आते ही लोरेंजो उसे बताता है कि गैरी की मौत हो गई है और आज ही पुलिस को सबवे में उसकी बॉडी मिली है। बेन समझ जाता है कि गैरी को शायद यह शक हो गया था कि उसकी हत्या होने वाली है, इसलिए उसने इकट्ठा की हुई सारी जानकारी अगले नाइट गार्ड यानी कि बेन को भेज दी थी ताकि बेन को इस रहस्य से पर्दा उठाने में मदद मिल सके। बेन लोरेंजो से पूछता है कि गैरी की मौत कैसे हुई, लेकिन लोरेंजो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब बेन अपने पुलिस दोस्तों को फोन करता है जिनसे उसे पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में उसकी बीवी एमी काम करती है उसी हॉस्पिटल में गैरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बेन फौरन एमी के हॉस्पिटल जाता है और उससे विनती करता है कि वो एक बार गैरी की लाश को उसे देखने दे। पहले तो एमी थोड़ा कतराती है, मगर फिर बेन की हालत देखकर वो हाँ कर देती है। वो बेन को लेकर ऑटोप्सी रूम में पहुंचती है। जिस डॉक्टर ने गैरी का पोस्टमार्टम किया था वो बेन को बताता है कि गैरी ने शीशे के टुकड़े से अपना गला काट सुसाइड की थी। बेन एमी से कहता है कि ये बात थोड़ी अजीब है कि कोई शीशे के टुकड़े से अपना गला काट सुसाइड करे।
क्योंकि ये साइड करने का एक बहुत ही दर्दनाक तरीका है और साइड करने वाले ज्यादातर आसान तरीके ढूंढा करते हैं। इसके बाद बेन गैरी की फाइल चेक करता है। फाइल में उसे क्राइम सीन्स की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं। उन फोटोग्राफ्स में बेन देखता है कि गैरी की लाश के हाथ में जो शीशे का टुकड़ा था उसमें खून की एक बूंद नहीं लगी थी, जबकि उसके सामने आईने में जो परछाई थी उसमें वो शीशे का टुकड़ा खून से लथपथ था। ये बात वो एमी को भी दिखाता है, मगर वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगता है कि ये कैमरा एंगल की वजह से हो सकता है। फिर बेन भी उसे समझाने के झंझट में नहीं पड़ता और उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बेन की बहन एंजी अपने काम से वापस आ गई थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े उतारती है और फिर नहाने के लिए बाथ टब में चली जाती है, लेकिन हे भगवान, उसकी परछाई वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। वो परछाई एंजी को घूर कर देखने लगती है। बेचारी एंजी इस बात से बेखबर टब में गर्म पानी का आनंद ले रही थी, तभी वो परछाई अपने हाथों से अपना जबड़ा पकड़ कर चीरने लगती है और उधर एंजी का मुंह भी खुलकर चीरने लगता है। एंजी दर्द से तड़पने लगती है। धीरे धीरे वो परछाई अपना जबड़ा पूरी तरह से चीर देती है। उसका मुंह पूरा खून से लथपथ हो जाता है और एंजी की मौत हो जाती है। जब बेन घर वापस आता है तो घर के बाहर पुलिस को देखकर चौंक जाता है। जैसे ही बेन की नजर एंजी की लाश पर पड़ती है उसे उल्टी हो जाती है। वो भयानक नजारा उससे देखा नहीं जाता और वो रोने लगता है। बेन समझ जाता है कि एंजी की हत्या के पीछे भी आइनो का ही हाथ है, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी को कैसे बताए, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। गुस्से में आकर बेन दोबारा मेफ्लावर जाता है और वहाँ पर रखे एक बड़े से आईने को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो उस पर एक के बाद एक गोलियां चलाता है, मगर उससे पड़ रही दरारें दोबारा अपने आप ठीक हो जा रही थी। बेन हार मान जाता है और आईने के सामने बैठकर रोने लगता है। वो आईने से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तभी आईने में दरारें बनने लगती हैं और उस आईने पर एक नाम लिखा हुआ आता है, ऐसे कर। बेन घर आकर तुरंत पुलिस दोस्त लैरी को फोन करता है और उसे पुलिस के पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड में ऐसे कर नाम सर्च करने के लिए कहता है, क्योंकि 5 साल पहले ही मेफ्लावर में आग लगी थी। इस दौरान वो गैरी ने भेजे हुए न्यूज़पेपर कटिंग्स की भी छानबीन करने लगता है। उन न्यूज़पेपर कटिंग्स से उसे ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने मेफ्लावर में आग लगाई थी उस व्यक्ति का नाम टेरेंस था और वो भी मेफ्लावर में गार्ड था। खबर के मुताबिक टेरेंस ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की भी हत्या कर दी थी। तभी बेन का पुलिस दोस्त उसे फोन करके बताता है कि ऐसे करके नाम पर कोई भी पुलिस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तब बेन उसे मेफ्लावर में आग लगाने वाले टेरेंस के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। लैरी टेरेंस के बारे में सर्च करके बेन को बताता है कि टेरेंस मर चुका है। लैरी बेन को उस जेल का नाम भी बताता है जहां टेरेंस को मरने से पहले रखा गया था। टेरेंस के बारे में और जानकारी पता लगाने के लिए बेन उस जेल में जाता है। जेल का वार्डन उसे टेरेंस के इंटेरोगेशन की फुटेज दिखाता है। उस फुटेज में टेरेंस कह रहा था कि उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा था, बल्कि उन आइनों ने मारा था और उन्हीं आइनों को नष्ट करने के लिए उसने बिल्डिंग में आग लगाई थी। पुलिस वाला टेरेंस से पूछता है कि आइनों ने उसके परिवार की हत्या क्यों की। जवाब में टेरेंस कहता है कि उन आइनों को एसेकर चाहिए था, मगर टेरेंस को नहीं पता कि एसेकर कौन था और कहां था। ये सुनकर बेन की जैसे जान ही हलक में आ जाती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अब बेन के साथ हो रहा था। अगर टेरेंस की बातें सच थी तो अब टेरेंस की ही तरह उसके परिवार पर भी खतरा मंडरा रहा था। वो फौरन वहां से भागता हुआ एमी के घर जाता है और पागलों की तरह उसके घर के सारे आइनों को एक एक करके निकाल कर बाहर रखने लगता है। एमी की नौकरानी घबराकर एमी को फोन करती है। थोड़ी ही देर में एमी वहां पर आ जाती है और बेन को ये पागलपन बंद करने के लिए कहती है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं समझती। तब बेन उसको यकीन दिलाने के लिए बाहर रखे आईने पर गोली भी चलाता है और उससे कहता है कि अभी आईना अपने आप को ठीक कर लेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिससे बेन शर्मिंदा हो जाता है और एमी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। वो दोबारा मेफ्लावर बिल्डिंग में जाता है। वो सीधा उस बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां लीकेज की वजह से पानी भरा था। वहीं पर उसे एक साइन बोर्ड भी मिलता है जिस पर लिखा था, सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड। जैसा कि लोरेंजो ने उसे बताया था कि ये जगह डिपार्टमेंटल स्टोर से पहले एक हॉस्पिटल हुआ करती थी। वो साइन बोर्ड एक दीवार की तरफ इशारा कर रहा था, यानी कि इस दीवार के पीछे हॉस्पिटल का साइकेट्रिक वार्ड यानी कि पागल खाना हुआ करता था। लगातार पानी चूने के कारण वो दीवार कमजोर हो चुकी थी और बेन की कोशिश करते ही उसकी ईंटें निकलने लगती हैं। एक एक करके बेन कई ईंटें निकाल लेता है और दीवार के उस पार चला जाता है। दीवार के उस पार एक अजीब सा कमरा बना हुआ था जो चारों तरफ से आइनों से घिरा हुआ था। उस कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी जिस पर बेल्ट भी लगी हुई थी। संभवतः इस कुर्सी पर किसी को बांधा जाता था। बेन वहां से जल्दी से बाहर निकल आता है
और अपने कंटेनर में आकर दोबारा अपने पुलिस दोस्त लैरी को फोन करता है और उसे सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल के पेशेंट और कर्मचारियों की लिस्ट निकालने के लिए कहता है। कुछ घंटों बाद लैरी उस लिस्ट को लेकर बेन से मिलने आता है। वो बेन को कुछ चौंका देने वाली बातें बताता है। उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट हुआ करती थी जिसका नाम था एना एसेकर। लैरी एना की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लेकर आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एना को स्किज़ोफ्रेनिया था जिसकी वजह से वो काफी हिंसक हो जाती थी। लैरी बताता है कि जब एना केवल 12 साल की थी तब हॉस्पिटल में एक भयानक हादसा हुआ था। उस दिन हॉस्पिटल में सारे मरीजों ने मेन हॉल में जमा होकर एक दूसरे को जान से मार दिया था। इसी हादसे में एना ने भी अपनी जान गंवा दी थी और इसी घटना के बाद वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था। ये सुनकर बेन काफी निराश हो जाता है क्योंकि अगर एना एसेकर मर चुकी थी तो अब वो उसे आईने के पास कैसे लेकर जाएगा और अपने परिवार को कैसे बचाएगा। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारता। वो एना की सारी रिपोर्ट्स लेकर कंटेनर में चला जाता है और उनका ध्यान से अध्ययन करने लगता है। उसमें उसे एना की फोटो मिलती है। उस फोटो के पीछे एड्रेस भी लिखा हुआ था। वो अपनी छानबीन जारी रखता है। छानबीन में उसे हॉस्पिटल के कुछ दस्तावेज भी मिलते हैं। उनका गौर से अध्ययन करने के बाद उसे एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। उन दस्तावेजों के मुताबिक एना को 4 अक्टूबर को ही उस हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी और वो हादसा जिसमें हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स ने एक दूसरे को मार डाला था वो 6 अक्टूबर को हुआ था। इसका मतलब था उस हादसे में एना नहीं मरी थी, वो अभी भी जिंदा थी। उधर एमी माइकल को स्कूल ले जाने उसके कमरे में जाती है। तब वो देखती है कि माइकल आईने से बातें कर रहा है। ये देखकर वो उसे फौरन अपने पास बुलाती है। माइकल तो उठकर एमी के पास आ जाता है मगर उसकी परछाई आईने में वहीं बैठी रहती है और एमी को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखकर डर के मारे एमी की रूह कांप उठती है। वो तुरंत बेन को फोन करती है और सारी बात बताती है। बेन सीधा ड्राइव करता हुआ एमी के घर आ जाता है। बेन एमी को सारी बात समझाता है। फिर दोनों मिलकर घर के सारे आईनों पर पेंट लगा देते हैं। इसके तुरंत बाद बेन एना एसेकर की फोटो पर मिले एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जाने से पहले वो एमी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद बेन पेंसिल्वेनिया के जंगलों में बने एक घर के सामने पहुंचता है। घर के बाहर लगे मेल बॉक्स पर लिखा एसेकर नाम इस बात का सबूत दे रहा था कि वो सही जगह पहुंचा है। घर का दरवाजा खटखटाने पर घर से एक लड़का और उसकी माँ बाहर आती है। बेन उनसे झूठ कह देता है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया पर रिसर्च कर रहा है और इसी वजह से उसे एना एसेकर से कुछ सवाल पूछने हैं। वो औरत उसे अपने ससुर रॉबर्ट से मिलाती है जो कोई और नहीं एना का सगा भाई था। रॉबर्ट बेन को बेसमेंट में बने एक कमरे में लेकर जाता है। रॉबर्ट बेन को बताता है कि उसके पिता एना को इसी कमरे में कैद करके रखते थे क्योंकि जब एना को दौरे पड़ते थे तब वो काफी ज्यादा हिंसक और खतरनाक हो जाती थी। उसके पिता ने एना को बहुत सारे डॉक्टर्स और प्रीस्ट्स के पास भी दिखाया था लेकिन किसी के पास भी एना का कोई इलाज न था। वक्त के साथ एना का पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। खुशकिस्मती से न्यूयॉर्क के एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर केन ने उनकी मदद की गुहार सुन ली और वो एना को इलाज के लिए सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल ले गए। उनको पूरा यकीन था कि एना पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था बल्कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही थी। बदकिस्मती से उस हॉस्पिटल में जो भयानक हादसा हुआ उसमें एना की भी मौत हो गई। इस पर बेन रॉबर्ट से कहता है कि वो जानता है कि एना अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर रॉबर्ट घबरा जाता है और हिचकिचाने लगता है लेकिन बेन के थोड़े धमकाने पर वो आगे की सच्चाई भी उगल देता है। वो बताता है कि हॉस्पिटल में वो हादसा होने के एक दिन पहले ही एना की छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो एना को वापस घर भी लेकर आ गए थे, सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर घर के आईनों ने एना को परेशान करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने एना को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां आईने लगाने पर बंदी थी। वो जगह थी सेंट अगस्टिन चर्च। बेन जल्दी से अपनी कार में बैठता है और सेंट अगस्टिन चर्च के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वो एक नन से एना एसेकर के बारे में पूछता है। थोड़ी देर बाद एना जो अब खुद भी नन बन चुकी थी उससे मिलने आती है। एना अब बूढ़ी हो चुकी थी। बेन एना को सब कुछ बता देता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह है कि सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल के सारे आईने इतनी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। जवाब में एना उसे बताती है कि आईने उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं बल्कि वो चीज जो उन आईनों में फंसी हुई है वो उसका इंतजार कर रही है। एना डॉक्टर केन के उसे अस्पताल लाने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब बताती जाती है। वो बताती है कि डॉक्टर केन को यकीन था कि एना स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रही है और इसका इलाज करने के लिए उन्होंने उसे एक आईनों से बने कमरे में बिठा दिया जिसे वो साइकोमेंटियम कहते थे। लेकिन एना को कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं था बल्कि एक डीमन ने एना के शरीर पर कब्जा कर रखा था और डॉक्टर केन ने अनजाने में एना को आईने के सामने बिठाकर उस डीमन को एना का शरीर छोड़कर आईनों की दुनिया में जाने पर मजबूर कर दिया। वो डीमन अब आईनों की दुनिया में कैद हो चुका था। गुस्से में उसने हॉस्पिटल के सारे पेशेंट को मार डाला
और उनकी आत्माओं को आइनों की दुनिया में कैद कर दिया। उस डीमन का आइनों की दुनिया से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता ऐना के शरीर से होकर गुजरता है। तब से वो डीमन उस आइनों की दुनिया में फंसा हुआ ऐना का इंतजार कर रहा है। ऐना की ये कम कपा देने वाली कहानी सुनकर कुछ पलों के लिए बेन भी सन्न रह जाता है, लेकिन जल्द ही वो होश में आता है और अपने परिवार को बचाने के लिए ऐना को उसके साथ उस डीमन के पास चलने के लिए कहता है। लेकिन ऐना चलने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उस डीमन के पास जाती है तो वो डीमन उसके जरिए वापस इंसानी दुनिया में प्रवेश कर लेगा और फिर उसके कहर से दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर ऐना वहाँ से चली जाती है। उधर फोन की घंटी से एमी की नींद खुल जाती है। वो बेन का फोन था। बेन उसे उसका और बच्चों का हाल चाल पूछता है। उसी वक्त एमी का ध्यान बच्चों पर जाता है तो उसे पता चलता है कि माइकल कमरे में मौजूद नहीं है। एमी और बेन ने सारे शीशों और कांच को तो कवर कर दिया था, मगर उनके डोर नॉब जो मेटल के बने हुए थे उनसे अभी भी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी। एमी तुरंत माइकल को ढूंढने निकल पड़ती है, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका पूरा घर पानी से भरा हुआ था। बेन फोन पर उसकी बातें सुन रहा था। वो एमी को आगाह करता है कि पानी से बचकर रहे, क्योंकि वो डीमन पानी पर पड़ने वाली परछाई का भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी एमी की परछाई के पीछे से कोई दौड़ कर जाता है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। एमी को लगता है वो माइकल ही होगा, इसीलिए वो फोन उठाए बिना उसी दिशा में दौड़ लगाती है। एमी माइकल को ढूंढते ढूंढते बाथरूम पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बाथटब का नल खुला हुआ था, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी पानी हो रहा था। वो जैसे ही टब के पास नल बंद करने जाती है, उसे पानी में माइकल की परछाई दिखाई देती है। अगले ही पल वो परछाई एमी को पानी में खींचकर डुबाने लगती है। एमी तड़पने लगती है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। उधर डेजी एमी की आवाज सुनकर जाग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे एमी उसे बुला रही है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक आईने के सामने पहुंच जाती है। उस आईने की दूसरी तरफ वो डीमन एमी का रूप लिए डेजी को बुला रहा था। बाथरूम में एमी भी अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही थी। तभी उसके हाथों में ड्रेनेज वाल्व आ जाता है और वो उसे हटा देती है, जिससे टब में से पानी निकलने लगता है और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। उधर वो डीमन डेजी को उठा लेता है और कैंची से उसका गला काटने लगता है, मगर तभी एमी वहाँ पर आ जाती है और डेजी को बचा लेती है। एमी डेजी को एक कमरे में सुरक्षित छुपा देती है और दोबारा माइकल को ढूंढने निकल पड़ती है। बेन फोन पर सब कुछ सुन रहा था। वो अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सीधा चर्च की सिस्टर्स पर बंदूक तानकर ऐना के कमरे में घुस आता है और ऐना को अपने परिवार का वास्ता देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बार ऐना भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। एमी के घर पर एमी माइकल को ढूंढते ढूंढते नीचे पहुंच जाती है। वहां पर भी फर्श पर पानी ही पानी था। नीचे पहुंचकर वो देखती है कि माइकल एक स्टूल पर खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था और वो शीशों से पेंट कुरेद कर निकाल रहा था। वो डीमन माइकल को बहला फुसलाकर अपने वश में कर उससे सारे आईने साफ करवा रहा था। माइकल ने ही वो सारे नल शुरू कर दिए थे, जिससे घर में पानी भर गया था। एमी माइकल से छुरा रखकर वहां से हटने के लिए कहती है, मगर माइकल उसकी बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बेन ऐना को लेकर मेफ्लावर पहुंच जाता है। वो ऐना को लेकर सीधा साइकोमेंटियम में जाता है, जहां बचपन में डॉक्टर केन ऐना को बांधा करते थे। ऐना को देखते ही चारों तरफ आईनों में हलचल होने लगती है, जैसे कई लोग ऐना का ही इंतजार कर रहे हों। ऐना बेन से कहती है कि वो उसे उस कुर्सी पर बिठाकर बांध दे। बेन ऐसा ही करता है। फिर वो बेन को वहां से जाने के लिए कहती है। बेन साइकोमेंटियम से बाहर चला जाता है और उस डीमन का आईनों से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। एमी के घर पर एमी को माइकल जमीन पर बैठा मिलता है, मगर वो जैसे ही माइकल को उठाने जाती है, माइकल जमीन के अंदर चला जाता है और पानी में डूबने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि उसे बचा ले, मगर वो उस पार नहीं जा पाती। वो बस अपने बेटे को वहाँ डूबता हुआ देख तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। वहीं डीमन को आखिरकार ऐना सहकर मिल गई थी। वो डीमन और उसने अब तक जितनी भी आत्माएं कैद की थी, वो सब आईनों से निकलकर ऐना के शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। उन सब का ऐना के शरीर में प्रवेश करते ही उस बिल्डिंग में रखे सारे के सारे आईने एक जोरदार धमाके के साथ चूर चूर हो जाते हैं। और उधर माइकल भी जमीन से वापस बाहर निकल आता है। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। बेन अपनी बंदूक लेकर बड़ी सावधानी से साइकोमेंटियम में प्रवेश करता है। तभी उसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में अपनी नजर दौड़ाता है तो सामने का दृश्य देखकर उसका खून ही सूख जाता है। ऐना, जिसके शरीर पर अब डीमन ने कब्जा कर लिया था, वो बेन को देखकर गुर्रा रही थी। अचानक से वो काफी फुर्ती के साथ बेन पर हमला कर देती है। वो बेन को इधर उधर उठाकर फेंकने लगती है, जैसे कि वो कोई खिलौना हो। बेन उस पर एक के बाद एक गोलियां चलाता है, लेकिन उस पर तो गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था।
तभी बेन की एक गोली गैस की पाइप में भी लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गैस लीक होने लगती है। बेन इस बात का फायदा उठाता है और एक गोली एना के बिल्कुल बगल वाले पाइप पर मारता है, जिससे एक धमाका होता है और एना के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन इस धमाके की वजह से पहले से ही कमजोर बिल्डिंग का मलबा गिरने लगता है। बेन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, बिल्डिंग की छत उस पर गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। बेन का परिवार पूरी तरह से सुरक्षित था। दूसरी ओर मलबे के नीचे से घायल बेन भी सुरक्षित बाहर आता है। वो खुद को सुरक्षित पाकर काफी अच्छा महसूस करता है। रात को मेफ्लावर में हुए धमाके की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस भी आ गई थी। पुलिस के साथ बेन को लोरेंजो भी दिखाई देता है। बेन लोरेंजो की तरफ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन लोरेंजो उसकी तरफ देखता तक नहीं। उसी पल बेन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। लोरेंजो ही नहीं, वहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति बेन को नोटिस नहीं कर रहा था। तभी बेन की नज़र लोरेंजो के नेम टैग पर जाती है, जहाँ पर लोरेंजो का सरनेम उल्टा लिखा था। इतना ही नहीं, वहाँ पर लिखा हर एक शब्द बेन को उल्टा दिखाई दे रहा था। बेन डर जाता है और वहाँ से भागकर सड़क पर आ जाता है। दौड़ते दौड़ते वो एक बिल्डिंग पर लगे आईने के सामने खड़ा हो जाता है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आईने से उसकी परछाई गायब थी। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि वो कल रात ही उस मलबे में दबकर मर चुका था और उसकी आत्मा आईनों की दुनिया में कैद हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं।